नमस्कार, 1 अप्रैल को दूसरे चरण में नंदीग्राम की जनता किसको मूर्ख बनाएगी, इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे मीम्स बन चुके हैं। 10 साल सत्ता की कुर्सी पर बैठकर नंदीग्राम की जनता को मूर्ख बनाने वाली ममता दीदी के सामने अपनी खुद की साख बचाने के लिए कई बड़ी चुनौतियां आ खड़ी हुई है। पिछले दिनों बीजेपी उपाध्यक्ष प्रलय पाल को फोन कर लपेटे में लेने की कोशिश नाकाम रही तो ममता दीदी ने सभी गैर बीजेपी राजनीतिक पार्टियों को अपने झांसे में लेने के लिए आज एक नई चाल चल दी है। नंदीग्राम सहित पूरे बंगाल में दीदी ने अपनी खिसकती सियासी जमीन को बचाने के लिए सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सहित तमाम विपक्षी पार्टियों के मुखियाओं को चिट्ठी लिख करके एक बार फिर से महाठगबंधन का निर्माण करने की गुहार लगाई है। प्रथम चरण की 30 सीटों पर हो चुके मतदान और दूसरे चरण की 30 सीटों पर 1 अप्रैल को होने वाले मतदान से ठीक एक दिन पूर्व ममता दीदी की ये बौखलाहट साफ साफ टीएमसी की करारी हार की ओर इशारा कर रही है। अब बंगाल की जनता जनार्दन भी इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि सारे ठग एक होकर के मोदी के खिलाफ ठगबंधन करने के लिए छाती क्यों पीट रहे हैं। आप एक हिंदू बहुल राष्ट्र में हिंदू विरोधी गतिविधियों को अपना करके टिकाऊ और मजबूत राजनीति नहीं कर सकते हैं, ये बात ममता दीदी की समझ में अब आई है। इसलिए ममता दीदी ने आज नंदीग्राम के चुनावी रण से गोत्र कार्ड भी खेल दिया, जो साफ साफ हिंदू मतदाताओं को अपनी ओर खींचने का चुनावी स्टंट माना जा रहा है। आज ममता दीदी ने बंगाल की जनता को बताया कि उनका सांडिल्य गोत्र है और दीदी ने 10 से 11 मार्च को नॉमिनेशन दौरे के दौरान कुल 19 मंदिरों में पूजा की और सिर्फ एक ही दरगाह में गई। चुनाव प्रचार के दौरान दीदी लगभग 25 मंदिरों में दर्शन करने जा चुकी है। ये बात टीएमसी को पश्चिमी बंगाल की जनता को बतानी पड़ रही है। इसका मतलब साफ है कि ममता दीदी अपने आप को हिंदू हितैषी साबित करना चाहती है ताकि वो हिंदू वोटरों पर डोरे डाल सके। जय श्री राम के नारों से चिढ़ने वाली ममता दीदी अब हिंदू हितैषी बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नंदीग्राम सहित पूरे पश्चिमी बंगाल से उनकी सियासी जमीन उनके हाथों से खिसक चुकी है और अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए अब वो जय श्री राम के नारे भी बोल रही है और इसके साथ साथ वो ये भी बता रही है कि वो दरगाह में नहीं जाती, ज़्यादा वो मंदिरों में जाती है। यही कारण रहा कि 25 मंदिरों में जाने के बाद में वो सिर्फ एक ही दरगाह में गई। इसके अलावा दीदी की समझ में ये भी आ चुका है कि हिंदू मतदाताओं को टीएमसी से जोड़ने के लिए हिंदू उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा। शायद यही कारण रहा कि 2016 के मुकाबले 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने कम मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। खैर, पूरे पश्चिमी बंगाल में जिस तरह से जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं उससे ये तो साफ हो चुका है कि ममता दीदी बौखलाई हुई है। पश्चिमी बंगाल में जय श्री राम वर्सेज राम विरोधियों के बीच में 294 सीटों पर कड़ा मुकाबला होने जा रहा है और नंदीग्राम सीट बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए ही नाक का सवाल बनी हुई है। 1 अप्रैल को दूसरे चरण में नंदीग्राम सीट पर मतदान होगा और सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए नंदीग्राम में धारा 144 लगा दी गई है। टीएमसी से खुद ममता दीदी चुनावी मैदान में हैं तो बीजेपी ने दीदी के ही नज़दीकी रहे और खासम खास सुवेंदु अधिकारी को ही नंदीग्राम के चुनावी मैदान में उतार दिया है। 3 लाख के लगभग मतदाताओं वाली नंदीग्राम सीट पर 74% हिंदू वोटर्स हैं और 26% मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। 2016 विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी को लगभग 1,35,000 वोट नंदीग्राम सीट पर मिले, जो कुल मतदाताओं का लगभग 67% हिस्सा था। इसके साथ ही 10,000 से ज्यादा वोट बीजेपी के खाते में गए। पिछले चुनाव का गणित देख करके और नंदीग्राम में जय श्री राम के नारों की गूंज को सुनकर के ममता दीदी के पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है और इसी बौखलाहट में दीदी ने मतदान होने तक नंदीग्राम में ही डेरा डाले रखने का फैसला ले रखा है। शुभेंदु अधिकारी की लोकप्रियता, इसके अलावा नमो नमो के नारों के साथ परिवर्तन की आवाज उठना, इसके अलावा दीदी की तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए जनता जनार्दन द्वारा कमर
केस लेना आदि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्होंने ममता दीदी को अपने विपक्षी ठगों के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन ये तो साफ है कि नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस ने दीदी के लिए मतदान करने वाला कोई खेल खेला तो कांग्रेस पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगी, क्योंकि दिल्ली चुनाव के दौरान केजरीवाल को जिताने के लिए कांग्रेस ने हारने के लिए चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आपसी कलह काफी ज्यादा बढ़ गई थी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में पहले से ही चल रही अंतर्कलह एक विस्फोट बनकर उभरेगी यदि ममता दीदी की चिट्ठी पर गौर करके कांग्रेस ने नंदीग्राम सीट पर इस तरह का कोई खेल करने की कोशिश की। खैर, चुनाव आयोग ने नंदीग्राम सीट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं, जो टीएमसी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। जनता जनार्दन को डराने के लिए ममता दीदी कल से लगातार गीत गा रही है कि नंदीग्राम में बाहर के लोग आकर के किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं, और ये जो गीत गाया जा रहा है ये साफ साफ इशारा जनता जनार्दन को डराने धमकाने के लिए है, ताकि मतदाता इस अफवाह पर गौर करके अपना मतदान करने घर से बाहर ना निकले। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम और हथियारबद्ध बीएसएफ सीआरपीएफ के जवानों को देख करके नंदीग्राम की जनता पर ममता दीदी की ऐसी खोखली धमकियों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। प्रथम चरण में हुई शांतिपूर्ण वोटिंग ने जनता जनार्दन के दिमाग से ये खौफ निकाल दिया है कि इस बार किसी तरह की गड़बड़ी चुनावों के दौरान होगी। खैर, इन सभी मुद्दों पर गौर फरमाया जाए तो ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है कि नंदीग्राम सीट पर ममता दीदी को अपनी हार का डर सता रहा है, और इसी बौखलाहट में दीदी ने सोनिया गांधी और शरद पवार सहित सभी गैर बीजेपी पार्टियों को चिट्ठी लिख करके मदद की गुहार लगाई है। खुद ममता दीदी को नंदीग्राम सीट अपने हाथों से खिसकती हुई, अपने हाथों से निकलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है, और यही कारण रहा कि टोलीगंज सीट को भी दीदी ने अपने खुद के लिए ही सुरक्षित रख लिया है। खैर, कई सर्वे कंपनियों के ओपिनियन पोल्स में नंदीग्राम सीट टीएमसी के हाथों फिसलती हुई दिखाई गई है, और तो और बीजेपी विरोधी टीवी चैनल्स भी चीख चीख कर बता रहे हैं कि इस बार ममता दीदी के लिए नंदीग्राम का रास्ता काफी कांटों भरा है, और नंदीग्राम की गलियों में शुभेंदु अधिकारी का कमल खिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये बात बीजेपी विरोधी टीवी चैनल्स बोल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात का पक्का सबूत है कि ममता दीदी की नंदीग्राम सीट पर करारी हार होने जा रही है। एक रात का खेल और बचा है, इसमें देखना काफी दिलचस्प होगा कि ममता दीदी की चिट्ठी क्या गुल खिलाती है, क्या सोनिया और पवार अन्य ठगों के साथ मिलकर के ममता दीदी की लाज नंदीग्राम सीट पर बचा लेंगे, या फिर दीदी की चिट्ठी वाले जालसाजी भी बेकार जाएगी। खैर, सर्वे कंपनियों के अलावा खुद शुभेंदु अधिकारी 50,000 वोटों से ममता दीदी को हराने का दावा कर रहे हैं, जिस पर हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने भी अंतिम मोहर लगा दी है। 1 अप्रैल को मृत दिवस के दिन नंदीग्राम की जनता किसके साथ खेला करेगी, शाम होते होते ये भी पूरी तरह से साफ हो जाएगा। टोटल 355 मतदान बूथों के ऊपर मतदान होने जा रहा है, और प्रथम चरण में जिस तरह से शांतिपूर्ण मतदान हुआ उसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखा जाए तो शांतिपूर्ण मतदान दूसरे चरण में होने जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नंदीग्राम सीट पर ममता दीदी अब पूरी तरह से खिसकती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के और नंदीग्राम सीट पर आप अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।